वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारा ब्लॉग देख रहा है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अरे चीकू सूट पहन के आया है। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कितना क्यूटी लग रहा है। दीदी का सूट बाहर रख दो, गंदी बात ना, घर गंदा होगा। और तो दीदी बापू स्कूल पहन के जाते हैं ये सूट। और मैंने अपने भगवान जी का मंदिर को सजा दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखो। अरे लाइट, हाँ मुझे लगा कि लाइट नहीं है। ये देखिए रात में बहुत अच्छे से जलेगा। रात में बहुत अच्छे से कैसे हमें लगे मेरे भगवान जी अच्छे लगेंगे। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। रात को अभी चल रहे खाने की तैयारी करने। और मेरी मम्मी बनाई है बिरयानी और दही बड़ा। ठीक है ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे आप सभी को। हम तो इस समय बनाएंगे सूरन की सब्जी, क्योंकि ये वाला सूरन ये वाला बनाएंगे। इसमें इसका गला नहीं खुल जाता है, बहुत अच्छे से इसका हो जाता है। मैं सूरन की सब्जी बनाऊंगी और आज का ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग क्या पहनने वाले हैं, कैसे दिवाली मनाने वाले हैं, सब कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसलिए ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग को और फुल एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ सूरन की सब्जी। यहाँ मैंने सूरन को अच्छे से तरह से छील लिया है और छील के उबाल लिया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे से ये गलती हो गई, हालांकि मैं जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं की। मैं पिछली बार भी सूरन की सब्जी बनाई थी तो मैंने 2-3 सीटी उसमें लगा दिया था, मुझे पता नहीं चला था, थोड़ा वो कुछ ज़्यादा ही गल गया था। इस बार मैंने तो बिल्कुल भी सोच लिया था कि मैं बिल्कुल एक ही सीटी लगाऊंगी, क्योंकि परफेक्ट इसको थोड़ा थोड़ा एकदम गलाना होता है तभी हम इसे अच्छे से फ्राई कर पाएंगे। लेकिन मेरा कुकर में क्या हुआ था कि उसमें एक चावल फंस गया था और मैं तो एक ही सीटी लगाई लेकिन सीटी थोड़ी लेट से दिया और इसकी वजह से इसमें भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ये गल गया है। कुछ कुछ ज़्यादा हो गया है और कुछ कुछ थोड़ा कम गला हुआ है। तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी इसमें, इसको तलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब थोड़ा ज़्यादा गल जाता है। तो फिर मैं इसको तलना स्किप कर दे रही हूँ, मैं इसे तलूँगी नहीं। वैसे ही पहले मैं मसाला भून रही हूँ और उसके बाद से मैं इसमें करूँगी। अब मेरी दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है, आज है दिवाली और यहाँ पे मैं एक तरफ से सब्जी बनाऊंगी और उसके साथ मैं गोभी बैंगन आलू जो भी मुझे पकौड़े उकड़े की तैयारी करनी है, मैं साथ ही साथ मैं पकौड़े की तैयारी भी करूंगी, क्योंकि 5 बजे तक पूरा खाना मुझे बना लेना है, सब कुछ कर लेना है और उसके बाद से होना है हम लोगों को रेडी होना है। और शाम के समय में दिया जलाने का जब टाइम हो जाएगा तो उसके बाद से बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो 5 बजे से पहले तक किचन का काम बिल्कुल भी निपटा करके उसके बाद से हमें तैयार होना है। तो मैं सूरन की सब्जी मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद से मैं पकौड़े वगैरह तलने के लिए रख दूँगी। और आज तो समय सोचिए कि कितनी तेज़ी से भाग रही है, इसका अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए अभी मार्केट भी जाना है, क्यों फूल माला लाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे। शाम के समय में हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। शायद शाम का ब्लॉग, दिवाली मनाने का ब्लॉग मैं इसमें आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ। इसका अगला पार्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसके अगले ब्लॉग में मैं प्रॉपर तैयार की जब होंगी उसके बाद का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ये हो जा रहा है। मैंने तो साथ ही में एडिट करना शुरू किया है लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा ब्लॉग मैं एक साथ दिखाऊंगी, तो आप सभी नहीं देख पाएंगे पूरी तरह से। इसलिए मैं जब तक तैयार हो रही हूँ तब तक की वीडियो मैं इस पार्ट में दिखाऊंगी। और दिवाली जब हम लोग मनाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं, इसलिए कल का ब्लॉग बिल्कुल भी देखना आप सभी ना भूलिए कि बहुत ही अच्छे से हम लोग दिवाली मनाए हैं, कैसे हम लोग सेलिब्रेट किए हुए हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई है तो उसके साथ मिल करके हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ तैयारी ही आप सभी को दिखा पा रही हूँ,
यहाँ पर प्रियल आ गया कि मम्मी कब से मुझे महक रहा है, क्या बना रही है, इतना अच्छा क्या बना रही है। इसे जब रहा नहीं गया तो ये आ गया हमारे पास देखने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इधर सूरन बनाने के लिए मसाले भुनने की मैं तैयारी कर रही हूँ और उसके साथ गोभी बैंगन सब कुछ मैं छील रही हूँ। देखिए बगल में मैं रखी हुई हूँ, छील करके मैं यहाँ पर काट उट करके रख दूँगी क्योंकि 4 बजे के समय में पकौड़ी मैं तलूंगी तो गरम गरम सारे ही लोग खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो गाइस ब्लॉग में बने रहिए आप सब। तैयारी मेरी पूरी ही हो चुकी है, मैंने सारा कुछ बस अब सब्जी मेरी देखिए इतने अच्छे से मैंने मसाला भून गया है। अब इसमें मिलाएंगे हम सूरन और पकौड़ी के लिए भी सारा कुछ तैयारी करके सब कुछ रख दे हैं, बस अब निकालना ही रह गया है और उसके बाद से तैयार होंगे फटाफट, उसके बाद छत पर जाएंगे हम। इधर थोड़ा सा उबालने के लिए गोभी रखे हैं, उसकी भी पकौड़ी बनाएंगे। हैप्पी दिवाली आप सभी को, और ये बन रहा है दिवाली की पकवाने। क्या मम्मी ये हटाओ, क्या है ये बता दो। बड़ी है, बड़ी है। और वो भैया बना रहे हैं वहाँ पे थड़ी। भैया ये मेरा मास्टरपीस है। ऐसे ऐसे करो ऐसे। अरे यार जब करता हूँ तब तो बोलते ज्यादा, तुम यहाँ यहाँ तक कर रहे हो ना, एकदम हल्का सा ऐसे करो। हम तो यही तक करते हैं। हाँ भाई इतना अच्छा है। और तो और वो देखो वहाँ पे ना वो ब्रेड काट के रखा हुआ है, किसी बनेगा ब्रेड का थोड़ा यहाँ पे है। क्या मम्मी है आलू बैगन गोभी आलू है हटना, और ये रहा ब्रेड पकौड़े, ये पथवाड़े तो नहीं है, पकौड़े बनेंगे इसके। और ये रहा बैंगन आलू वो भी है पर दिख नहीं रहा उसमें। किसी को अपने घर में फल फ्रूट पकाना नहीं आता है। आप सभी तो दोनों दिखा देते हैं, बड़ी ये कड़ी मेरा गाइस। दिवाली की सारी तैयारी हो गई हमारी और अब बारी आती है तैयार होने की, तो मैं आ गई हूँ फाइनली तैयार होने के लिए। मैंने कपड़ा पहन लिया है और अब बारी आ जाती है, कपड़ा तो हमने पहन लिया है और अब बारी आ जाती है बाल बनाने की, जो कि सबसे प्रॉब्लम वाली मेरी यही चीज़ें होती है बाल बनाना। मैं सारे कुछ कर लेती हूँ लेकिन जब बाल बनाने के समय आता तो मेरे जैसे दिमागी काम नहीं करता है कि मैं क्या करूँ और उल्टा पुल्टा अपना बाल झाड़ लेती हूँ। मुझे बाल झाड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और सबसे बड़ी बात होती है ना कि टाइम नहीं होता है, बाल कोई भी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जो कि मेरे पास होता नहीं है। और मैं ये ब्लॉग आप सभी को सिर्फ तैयार होते हुए ही दिखाऊँगी और इसका फुल लुक आप सभी को मिलेगा। मैं अच्छे से जब दिखाऊंगी आप सभी को अगले वीडियो में, जो कि मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। कल का ब्लॉग आप सभी देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि कल बहुत ही अच्छे से हम लोग का कपड़े का थीम रखा हुआ है कि किस कलर का, जो जिस कलर का मैं सूट पहनी हुई हूँ, मेरी फैमिली सिर्फ इसी कलर के ड्रेसेस सारे लोग पहने हुए हैं और जो सिस्टर की फैमिली है वो एक में का ड्रेस पहने हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाने वाले हैं और अभी देखिए किसी भी तरह से अपने बालों को कर रही हूँ।
ऐसे तो बनाने में बाल अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर सोची थी कि मैं पीछे से बाल में खुला रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद इसे भी मैं अच्छा नहीं लगा मुझे तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। मैं अभी अपना पिन खोल दूँगी, मुझे बाल जल्दी पसंद नहीं आता है कि मैं किस तरह से बाल रखूँ क्या रखूँ। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, पसंद आता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, हमारे नए नए सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। मैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं, और सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो देखिए मैंने फिर से अपने बालों को मैं खोल दिया और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अब इस तरह से मैं सिर्फ क्लचर लगा करके एक कर लूँगी, जैसे भी कर लेती हूँ। मुझे फटाफट बाल करना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा तामझाम करना नहीं अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, ओवर तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, सिंपल में रहती हूँ और सिंपल सा मैं मेकअप करती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे ही घर के सारे काम करने हैं, वीडियो से लेकर के घर की सजावट या खाना से लेकर के तैयार होना, और उसके बाद से बच्चों को तैयार होना। तो मैं सोची कि सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, अभी बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं पहले तैयार हो जाती हूँ उसके बाद से मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। तो अभी तैयार होकर के उसके बाद से मैं सारे बच्चों को तैयार करूँगी, और बहुत ही अच्छे से अभी हमने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है जो कि आपको सबको अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। आई होप कि आप सभी को मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग